मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है और सारे मसाले यहाँ पे रेडी कर दिए हैं, दिखाएं। तो हम बना रहे हैं बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्का बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती है। अभी इसमें हम लोग कोला रख रहे हैं, कोले को हमने गर्म कर लिया था। ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे, डाले ना लिक्विड डाले ना यहाँ से लगा रहे हैं सब इसको दम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ ठीक होगी। आपके दोस्त हम भी बिल्कुल ठीक है। तो हैप्पी क्रिसमस, आज ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पे डैनी साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं? हैप्पी क्रिसमस अगेन। आज क्रिसमस का दूसरा दिन है, संडे है और संडे है, तो आज क्रिसमस की दूसरे दिन की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगी शाजिया। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ खाना, मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। हमारे घर पे आएंगे अभी मेहमान, खाना बना रहे हैं, अभी सफाइयाँ करनी है सारी। हाँ। अभी शुरू का टाइम है, अभी अभी उठे हम लोग, नाश्ता किया, नाश्ता करने हम गए थे बाहर, बाहर गए थे तो बाहर हम नाश्ता करके आए थे। हलवा पूरी का शाजिया को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मास्टर जूस पे हम लोग गए थे जी, वहाँ से हलवा पूरी करके अभी वापस आए हैं, वापस आए हैं और हम लोग काम करेंगे। काम पड़े हुए हैं, ये देखें वहाँ पे कंबल पड़े हुए हैं, पूरे काम पड़े हुए हैं। और बाजी भी आई है घर पे, ये देखें पूरा किचन बिखरा हुआ है और तो और बाजी यहाँ पे बर्तन धो रही है। तो हम लोग अभी काम शुरू कर दिया है हमने, तो चले मिलते हैं थोड़ी देर में। ये हमारी जो ना ये बाजी काम वाली वासी भी, नहीं नहीं वैसे मजाक करें, मेरी बाजी है। तो अभी मेहमान आ रहे हैं ना, बाजी की बेटा और बहू आ रही है, उसकी मैंने दावत की है, तो वो लोग आ रहे हैं रास्ते में और हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं, फिर खाना बनाएंगे फिर आपसे शेयर करेंगे। तो अभी बर्तन बाजी ने धो दी है, अभी मैं फिर मैं चिकन धोऊंगी और बिरयानी बनाऊंगी। अभी हम लोग जो है बर्तन धो रहे हैं। तो अभी इसको अच्छे से मैं धो के वॉश कर लूँगी, फिर आपसे मिलते हैं। मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है और सारे मसाले यहाँ पे रेडी कर दिए हैं, दिखाएं। तो हम बना रहे हैं बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्का बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती है, जिसने खाई होगी उसको तो पता है। तो सबसे पहले हम जो चिकन धो लिया है इसको डाल देंगे बॉल के अंदर, सही है। धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्ची, नमक और हरी मिर्ची का पेस्ट, अदरक लहसुन हरी मिर्ची एक चम्मच और थोड़ी सी हम लोग स्पाइसी बनाएंगे। आपका स्पाइसी बिल्कुल, ये है चिकन टिक्का मसाला, ये रहा, ये मैंने दो डाले हैं, ये डाल देंगे साथ ही इसके हम लोग दही भी डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हम लोग इसको हाथ की मदद से कर लेंगे, और मैं चमचे से कर रही थी, मेरे से हो नहीं रहा था, अभी डैंस आउट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कर लें, फिर इसको कितनी देर तक, एक से डेढ़ घंटा इसको छोड़ेंगे, तो फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करेंगे हम लोग। जी अभी हम लोग नींबू डाल रहे हैं, और चार नींबू थे यहाँ पर बड़े, वो हम लोग डाल रहे हैं। बहुत ही चटपटी बिरयानी बनती है, बहुत ही मज़े की, और मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पे हमने टमाटर, अच्छा हम लोग इसमें भाई डाल आलू भी डाल रहे हैं ना, बच्चे आ रहे हैं और बच्चों को आलू बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आलू डालूँगी साथ, और मुझे भी पसंद है। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर में। ये मसाला हमने लगा के रख दिया है चिकन टिक्का, ठीक है, इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे एक से डेढ़ घंटा। और यहाँ पर हमने अपनी देग रख दी है ऊपर, और चावल हमने धो लिए हैं, और यहाँ पर हमने प्याज भी काटा हुआ है। तो चलें हम जब तक ये वाला रेस्ट पे छोड़ा है तब तक लिए हम जो है चावल उबाल लेते हैं, तो मिलते हैं अभी आपसे। तो चलें जी, हमने पानी ऊपर रख दिया है, और इसमें हमने गरम मसाले जो खड़े हैं वो डाल दिए, और ये थोड़ा सा सिरका भी डाल देंगे, ये वाला सिरका डाल देंगे, सही है। यहाँ पे बड़े भाई आए हैं, विशाल भी आया है, और मैंने रात को बनाया था पास्ता मैक्रोनी, वो दे रही हूँ निशा के लिए, भाई पास्ता का खा देते सही है ना।
थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें, चावल हमारे साथ ना चुके। तो चलें अभी ये पानी हमारा गर्म होता है, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे जो पास्ता मैंने निशक भी दिया है, तो थोड़ा सा पड़ा हुआ, तो मुझे और डैड साहब को भूख लगी हुई है, और डैड साहब को याद कर रहा है। तो सारा सामान यहाँ पे रेडी है और अभी ये गर्म होएगा, फिर हम लोग जो है खाएंगे। तो पानी हो चुका है चावलों का, और हम लोग चावल डाल रहे हैं। चावलों को आधा घंटा कम से कम आधा घंटा भिगो के रखना है, ताकि ये कच्ची बासमती है और इसको थोड़ी देर पानी में भिगोएं तो अच्छे से ये जो चावल जाना गल भी जाता है और इसको हमने पूरा बॉईल नहीं करना, हमने इसको 70-80% जो है ना बॉईल करना। तो फिर हम आगे क्या करते हैं आप देखते रहिएगा। और आज क्रिसमस का सेकेंड डे है, और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं, हमें थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच भैया आपकी वजह से, और हम लोग वो जल्दी सेलिब्रेट भी करेंगे जी, न्यू ईयर पे करेंगे। ठीक है जी, न्यू ईयर से न्यू ईयर पे या न्यू ईयर 31st नाइट को हम 10,000 सब्सक्राइबर्स का एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी करेंगे और ये आपके साथ शेयर भी करेंगे भाई, आपकी मेहरबानी या खुशी जो है आपकी वजह से है। ठीक है तो चले मिलते हैं फिर देर में। तो चावल हमारे हो चुके हैं बॉईल, तो अभी हम लोग जो है इसको उतार देंगे, इसका पानी जो है हम लोग उतार देंगे। चले जी ये देखें, ये वाला जो हमने लगा के रखा था 1-1.5 घंटा हो गया, अभी ऑयल डाला हुआ है इसमें, हम लोग डाल देंगे ये वाला सारा बैटर। चले सारा इसमें डाल देंगे कुकर, तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चले मिलते हैं। तो हमने सारा चिकन डाल दिया इसमें, इसको हल्की आंच पे हम लोग ना पकने के लिए 5-8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने चावल भी बॉयल करेंगे, ये देखिए कितने ज़बरदस्त एक एक दाना है। तो चले मिलते हैं फिर देर में, अभी हम लोग इसको ढक के ऊपर से हल्की आंच में हम बनाएंगे। चले जी हम लोग बाहर चलते हैं और देखते हैं चिकन हमारा कहाँ तक फ्राई हुआ, और फ्राई करें डेंट साहब। बस काफ़ी बेहतरीन हो गया है, हाँ। चिकन पक गया है, बस उसको हल्का सा ये पानी सुखा लें इसका, हाँ जी। तो फिर आगे एक दूसरा प्रोसेस करते हैं। अभी मैंने आँच तेज कर दी है ताकि ये पानी सूख जाए, चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो गया। तो चले मिलते हैं फिर। तो अभी इसमें हम लोग कोला रख रहे हैं, कोले को हमने गर्म कर लिया था, ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे, डाले ना लिक्विड डाले ना यहाँ से, डेली इसको छोड़ देंगे। हम आ चुके हैं रूम में, तो डैन साहब बना रहे हो, मैं भी इसके साथ, मैं इनको बता रही हूँ, वैसे इनको बनानी नहीं आती, नहीं ना आती बनानी, नहीं आती ये वाली, नहीं बनानी आती, बकाया दूसरी बिरयानी आती है, तो ये मैं इनको साथ साथ बता रही हूँ। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी हमारे मेहमान जो है आने वाले हैं, तो अभी आएंगे फिर आपसे भी मिलाते हैं, और आगे क्या करना है हमने वो भी आपको दिखाएंगे। तो चले जी हम लोग अभी देख लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसको दम दिए, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ऑयल गरम करने के लिए रख लिया, अब डालेंगे प्याज। तो अभी हम लोग जो है मसाला बना रहे हैं, हमारा 2 किलो चावल है कच्ची बासमती के, और 2.5 किलो चिकन है और बड़ी 1 किलो हमने आलू भी लिए थे। इसमें आलू नहीं डलते, मैं आपको बता दूं, ठीक है, बाद में हम लोग डाल रहे हैं, बाद में आप लोग कमेंट करें भाई आलू तो डलते नहीं है, मगर हमारे बच्चे जो खुश होकर खाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है डाल रहे हैं। तो चले अभी हम लोग प्याज रखा हुआ है, ये ब्राउन हो जाए तो फिर आगे दिखाते हैं आपको। चले जी हमारा प्याज जो गोल्डन हो चुका है, अभी इसमें हरा मसाला डाल देंगे, टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर हमारे हो जाते हैं, तो फिर मैं आपको बता दी। तो अभी एक पैकेट हम लोग बिरयानी मसाले का डाल देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे, तो साथ ही हम लोग एक पाव दही भी इसके अंदर डाल देंगे। तो मसाला जो है हमारा वहाँ पे भी बारबेक्यू चिकन में काफ़ी था, इसलिए हमने कम ही रखना है, ज़्यादा जो है मिट्टी होती है खाई नहीं जाती, बच्चों ने खाना। तो चले सभी मिलते हैं थोड़ी देर में, मसाला हमारा रेडी हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। जी मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अभी इसके अंदर हम लोग आलू डाल देंगे,
कवर से कवर कर देंगे और निकलने के लिए छोड़ देंगे। हम लोग पानी डाल देंगे ताकि जो आलू हैं वो गल जाएंगे अच्छे से। तो अब इसको मिक्स करके ऊपर से कवर कर देंगे, तो कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट तक। ये भी हो जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। देखें जी व्यूअर्स, मसाला हमारा रेडी हो चुका है, आलू भी गल गए हैं। तो चले अभी वो वाला मसाला इसमें डाल देंगे हम जी। हमारे मेहमान आ चुके हैं, उनसे मिले। हेलो हाय मेहमान जो शर्मा रहे हैं ये बड़ी बाजी के बेटे हैं और बहू हैं। ये कहाँ गई, इनसे मिले। हाँ हेलो मरियम। हेलो। और ये हमारा शहरी है, गंदा सा शहरी है ये हमारा। और शहरी के लिए स्पेशल जो नानी ना बिरयानी बना रही है इसको बहुत पसंद है। और यहाँ पे रानू भी आई है। हेलो बोलो। तो चले मिलते हैं। चावल ये भी बता रहे हैं भाई, ये भी घर पे अच्छा खाना बना रहे हैं ये भी घर पे। तो चले। नहीं नहीं मेरा कहना है मसाला इस पे आगे ना दे। हाँ नहीं इसमें डालते हैं ना सारा ये मिक्स करके। बाद भी करके दे चावल दले पाक में तो मसाला पाक दे दे चावल से। तवे वाली बिरयानी बनाएंगे अभी। तो चले हम लोग जो है अभी आपको दिखाते हैं। हमारा रेडी हो चुका है और इसमें अभी हम लोग जो है मिक्स करेंगे चावल और आधा इसमें निकाल लेंगे ताकि जो हम लोग तय लगा सके। इसमें से हमने निकाला था, चलें डालें इसमें आधा। अभी हम लोग जो हैं तय लगाने लगे हैं चावलों की। और चावल हमारे काफ़ी देर के जो हैं मतलब उतार के हमने रखे हुए हैं, इसलिए जो आपको थोड़ा सा लग रहा है मकाया एक एक दाना है। और कोर में कितनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है जो हमने तैयार की है बिरयानी के लिए। इसमें हम लोग जो है मसाला डाल लेंगे आधा, सारे डालना है। हमने मसाला डाल दिया इसमें, अभी जो बकाया चावल है वो भी सारी डाल देंगे इसमें। तो और ये साथ पुदीना भी डालेंगे, और पुदीना ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है बिरयानी में। तो अभी हम लोग जो हैं सारे चावल इसमें डाल देंगे। अभी हम लोग जो हैं इसमें ज़रदा कलर डाल देंगे और साथ ही इसके पुदीना भी। और देखिए आप कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है हमारे चावलों की। तो चले अभी हम लोग इसको दम पे रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो कोयल के ऊपर लगा रहे हैं मैंने सब इसको दम के लिए। चले जी इसको हमने टाइट कर दिया है और इसको रख देंगे हम लोग दम पे। नीचे से हम लोग जो है आँच हल्की कर देंगे, देख ले जरा आँच हल्की है नीचे से। तो आँच ठीक है, दम आ लिए। तो अभी हम लोग कितने मिनट, 10 मिनट तक इसको दम पे रखेंगे, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। चले जी दम को 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम लोग जो है दम को खोल लेंगे यहाँ पे। जबरदस्त खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और अभी हम लोग इसको मिक्स करेंगे। नीचे रख दिया है तो बार बार मेरी जुबान जो थकला जाती है, बिरयानी को देख के हो रही है, फिस रही है ना ऐसा। वैसे बिरयानी तो मुझे वैसे बहुत पसंद है। और ये बनी भी बड़ी ज़बरदस्त बनी है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। चावल देखे हमारे एक एक दाना अलग है, नीचे से एक एक दाना अलग है। हाँ जी ज़बरदस्त। तो चलिए अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये बिरयानी हमारी हो गई है रेडी और फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो अभी रूम में भी चेक कर रहे हैं सब, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे लाजर, सोनू और विक्की, कैसी बनी है विक्की, चेक किए कैसी बनी है, अच्छी बनी है। तो नैन साहब बैठे हुए हैं और नैना भी चेक कर रही है, अच्छी बनी है। नैना भूख लगी हुई है और मरियम भी बैठी हुई है, अभी मैं खाना दूँगी इनको। और यहाँ पे देखे खेल रहे हैं खिलौनों के साथ, खेल रही हो। चले सही जी, बस हमने खाना वाना खा लिया और सब बैठे हुए हैं और बाजी भी बैठी हुई है। अभी फिर से इतने सारे बर्तन हो गए, बाजी ने क्या, बाजी ने बोला मुझे इकट्ठा कर दो मैं दूँ, है ना। और यहाँ पे मरियम भी बैठी हुई है, नैना सब बैठे हुए हैं और साबी भी है। बिरयानी का आगे ने स्टिंग बोतल ले गया वो पी। अच्छा किसी ने बोला था साबी कौन है, ये मेरी बाजी का बेटा है इसका, किसी ने बोला था ये साबी कौन है, इसका बेटा है भाई, सही है, ये बाजी पंजाब से है, इसका बेटा ही, हाँ इसका नाम साबी है। और लाजर भी यहाँ पे आया है,
ब्लाउजर और चलें जी मिलते हैं थोड़ी देर में भी। बैठे हैं विक्की, इसका नाम विक्की है, ये भी उसी बाजी का बेटा है, इसका बड़ा भाई है। हाँ इसका भाई है बड़ा, ठीक है। इसका हम लोग वेट कर रहे थे, इसका मैंने खाना बनाया था जी इनका। तो चले भी बस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें और मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग साथ। तब तक लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सब बोल बाय बाय बाय।